दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगले 24 घंटे में 19 जिलों में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी, दी चेतावनी। तो दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट करके बताएं ये वीडियो कौन से शहर कौन से स्टेट से देख रहे हैं। प्रदेश के मौसम से जल्दी ही बहुत बड़ा परिवर्तन दिखने वाला है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ समय से लगातार बारिश होने की वजह से आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है, जिसके वहीं जगह पर लोगों को पलायन भी करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्व में ही सूचित करते हुए 8 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है व कुछ जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। उन्हें सावधानी बरतने व निर्देश भी दिए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, लोगों को एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान आगामी 24 घंटे में 19 जिलों के गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कई स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा की भी संभावना जाहिर की है। मौसम पूर्वानुमान। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी 24 घंटे में जबलपुर, शहडोल संभाग के कुछ जिलों में, रीवा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर संभाग के कई जगह पर एवं ग्वालियर, चंबल के संभागों में कहीं कहीं जगह पर बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं नर्मदापुर संभाग के जिलों में अनूपपुर, नरसिंहपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, सिंगरौली, सीजी, मंडला, बालाघाट, सागर, रायसेन, विदिशा, खंडवा, झाबुआ, दामेह, देवास, गुना, अशोकनगर जिले में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। एवं इन स्थानों पर येलो अलर्ट भी जारी किया है। बीते 24 घंटे के अनुसार बात की जाए तो जबलपुर संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, रीवा, नर्मदापुर एवं भोपाल संभाग के कई जगहों पर, उज्जैन, इंदौर समेत कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान नर्मदापुर, दमेह, नरसिंहपुर में बारिश दर्ज हुई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।